Good morning to everybody, and again I welcome you on Education Express channel in the class of income tax. And still we are going on with the income from business topic. इस पर हम बात कर रहे हैं और आज हम इस पटेल चौधरी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 टेकअप कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11th में क्या क्या है बात है ज़रा देख लीजिएगा. ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है, इस लिहाज से एक क्वेश्चन का लेवल पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हो सकते हैं. निम्नलिखित लाभ हानि खाते से श्री राम के एक नवीन स्थापित उद्योग कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए. तो डिफरेंट हेड्स में मतलब टोटल इनकम लेनी है तो बिजनेस के अलावा किसी और हेड की इनकम भी इसमें शामिल होगी. ओके, डेबिट में दे रखा इंटरेस्ट कुछ नहीं कहता था, अलाउड एक्सपेंडिचर है, सैलरीज अलाउड एक्सपेंडिचर है. सॉरी, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑफ एन एम्प्लॉय, एक कर्मचारी को उसको जो दी गई सुविधा उसका पेमेंट किया है ये भी अलाउड है. सॉरी. फिर कहता है डेप्रिसिएशन 4,10,000 रुपये का, आगे कुछ कहेगा उसके आधार पर कितना अलाउ और नहीं अलाउ होगा वो पता लगेगा. फिर कहता है उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, इसको देखना होगा उस समय इसमें से कितना अलाउ और कितना डिसअलाउ किस तरह से किया जाता है. एडवर्टीजमेंट कुछ भी नहीं कहता तो अलाउ होगा. ट्रेवलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं कहता तो अलाउ होगा. एंटरटेनमेंट अलाउ होता है. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड एक्सपेंडिचर होता है. रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पर बात करेंगे, 3,00,000 रुपये का है. फिर कहता है कम्युनिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड होगा. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अलाउ होगा. क्रेडिट साइड में देखते हैं P&L अकाउंट में तो ग्रोस प्रॉफिट है, वो तो बेस है उसका कैलकुलेशन का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये डिसअलाउड इनकम होगी, लेस की जाएगी. प्रॉपर्टी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स, कस्टम्स ड्यूटी रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये जो होता है वो अलाउड इनकम होगी. तो कुछ नहीं करना, आपको ऑलरेडी क्रेडिट है. फिर कहता है सब्सिडी फ्रॉम सॉरी कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये कस्टम ड्यूटी उत्पादन कर जिसको हम कहते हैं, आपके जो इस GST के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कस्टम ड्यूटी ही आएगा, उसमें देखना किस प्रकार से कस्टम ड्यूटी की बात होती है. तो कस्टम ड्यूटी का जो है वो अलग खर्च है, व्यापार संबंधित नहीं, उसको हटा देंगे. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस मतलब लेस कर देंगे. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन कमोडिटी डेराइटिव्स, जो वस्तुएं उनको लेन देन का किया उस पर प्रॉफिट हुआ तो ये तो व्यापार का काम है, तो ऑलरेडी शामिल है, क्रेडिट है, तो हमें कुछ नहीं करना है. आगे अतिरिक्त सूचनाओं में ये क्या कह रहा है, कारखाने में उत्पादन 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हुआ. सेकंड पॉइंट, वेतन के अंतर्गत भारत में की गई सेवाओं के लिए कर्मचारी को भारत के बाहर चुकाए गए 35,000 रुपये तथा दूसरे अनिवासी कर्मचारी को भारत से में चुकाए गए 20,000 रुपये सम्मिलित हैं. तो वेतन में 35,000 रुपये जो भारत के बाहर है कर्मचारी उसको दिया, एक भारत में कर्मचारी परंतु वो अनिवासी नॉन रेजिडेंट है उसको दिया, कुल 55,000 का पेमेंट किया. आगे देखिएगा, जिनमें से उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया है और ना ही उन कर्मचारियों ने आयकर चुकाया है, हम सैलरी दें अलाउड होगा, परंतु यदि भारत के बाहर दी जा रही है सैलरी
या ऐसे व्यक्ति को सैलरी दी जा रही जो भारत में निवासी है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं, यदि वो है तो पहले उनका टैक्स, इनकम टैक्स जो बनता है वो काट करके गवर्नमेंट में जमा कराया जाए और बाद में उनको सैलरी दी जाए। इसने ऐसा नहीं किया है, और जब ऐसा नहीं किया तो उसके सैलरी को 35,000, 20,000, 55,000 को डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। यात्रा व्यय में बिक्री बढ़ाने तो भारत के बाहर कहीं भी यात्रा करें यदि व्यापार के उद्देश्य से है तो अलाउड एक्सपेंडिचर होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट है, शामिल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर कहता है सरकार से 40,000 रुपये स्वीकृत की गई, क्योंकि सैलरी के टॉपिक में आपको ये बताया गया था कि जब भारत के बाहर विदेश में यात्रा की जाती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उसने कहा मुझे इतने की ज़रूरत है, तो सरकार के नियम होते हैं उसके अंतर्गत कितने दिन की यात्रा किस उद्देश्य के लिए है और उस पर कितना खर्च हो सकता है, अनुमान से वो RBI को परमिशन देती कि इनको इतना पैसे की स्वीकृति दी जाए, RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनको परमिशन देती कि इतने पैसे ले जाओ। अब 60,000 रुपये खर्च हुए, उसको दिए रिज़र्व बैंक को 40,000 रुपये, बाकी के उसने कहीं और से व्यवस्था की, ओपन मार्केट में फॉरेन करेंसी मिलती है वहाँ से खरीद सकते हैं, परंतु 60,000 रुपये उसने यात्रा पे खर्च किए, व्यापार के लिए खर्च किए तो अलाउड होगा। अब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे 40,000 दे या 10,000 दे चाहे 2,000 दे, बाकी की रकम वो कहीं बाहर से व्यवस्था करके ले जाता है, तो 60,000 रुपये पूरे के पूरे अलाउड होंगे और ये ऑलरेडी ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस में शामिल है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 31 मार्च 2020 को स्थायी संपत्ति की वास्तविक लागत 57 लाख रुपए है, जिसमें से मशीनों की वास्तविक लागत 14 लाख रुपए सम्मिलित है। ये प्रारंभिक व्यय से संबंधित आइटम है, इस पर चर्चा करेंगे जब प्रारंभिक व्यय की बात होगी तब, और फिर पांचों पॉइंट भी उससे संबंधित है उस पर भी तभी बात करेंगे। स्वीकार्य ह्रास 3,70,000 रुपये है, और जस्ट सी इन द P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड विद रुपीज़ 4,10,000, 4,10,000 रुपये डेबिट कर रखा है, जबकि स्वीकार किए गए 3,70,000, तो 4,10,000 माइनस 3,70,000 40,000 रुपये डिसअलाउड हो गया, जोड़ देंगे इसको। आगे कहता वित्तीय वर्ष 18-19 में वैज्ञानिक शोध पर 2,00,000 रुपये का व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। मशीन पर आपको मालूम है वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया व्यय पूरा का पूरा अलाउड होता है, नंबर वन। नंबर टू, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान किसी अनुमोदित कार्यक्रम के लिए हो जिसको सरकार ने अनुमोदित किया है तो इस स्थिति में 100% के स्थान पर 150% अलाउ करेंगे। 100 रुपये खर्च हो तो 150 रुपये देंगे हम उसको, 1,000 खर्च हुआ तो 1,500 देंगे, इस तरह से। परंतु ये अनुमोदित कार्यक्रम नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ अनुमोदित कार्यक्रम है, तो इसलिए जितना उसने खर्च किया वो सारा का सारा स्वीकार्य होगा, परंतु उसमें सभी आइटम स्वीकार्य नहीं होते। कौन कौन से होते देखिएगा, मशीन पर किया गया खर्च 100% अलाउड, शोध अधिकारी का वेतन 100% अलाउ, फिर उसके बाद कहता है शोध हेतु सामग्री 30,000 रुपये 100% अलाउ, प्रयोगशाला व्यय ये डिसअलाउड होता है, प्रयोगशाला का खर्च नहीं होगा, उसके अलावा जो खर्च होंगे वो अलाउड होंगे, क्योंकि प्रयोगशाला का खर्च अलाउ होने की स्थिति में नहीं है। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान हो और उसको सरकार का अनुमोदन नहीं हो तो 100%, और सरकार की अनुमति हो, अनुमोदन हो, तो इस स्थिति में 150%। बस समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, ब्याज के अंतर्गत ब्याज में राशि दे रखी 30,000 डेबिट है, किराए पर उठा गए मकान को बनाने हेतु लिए गए ऋण पर दिए ब्याज 2,000 रुपये डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि मकान संपत्ति का आइटम है ये। विज्ञापन व्ययों में भारत के बाहर विज्ञापन के 80,000 रुपये,
अब चाहे विज्ञापन भारत में करो भारत के बाहर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी राशि अलाउड होती। टीवी पे प्रोग्राम आते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो पूरी दुनिया में देख सकते हैं उसको। तो ये थोड़ी कि भाई वो नहीं हो सकता अलाउ, तो पूरा अलाउ होगा। परंतु आगे देखिएगा, भारत में विज्ञापन व्ययों के 2,20,000 रुपये अलाउड होगा। ये ऑलरेडी P&L में डेबिट एडवर्टीजमेंट के नाम से, तो आपको कुछ नहीं करना है, 80,000 का भी कुछ नहीं करना, 2,20,000 का भी कुछ नहीं करना। इस कार्य में लगे कर्मचारियों को वेतन 60,000 रुपये, इसका भी कुछ नहीं करना, ये अलाउड है। अब आगे, और लोकल दल पार्टी द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के 14,000 रुपये सम्मिलित हैं, ये डिसअलाउ होंगे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का दान, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दान, चंदा इत्यादि नहीं दे सकते। इसने लोकदल पार्टी को दान देने का एक दूसरा रास्ता अपनाया कि उसने एक मैगज़ीन निकाली, मैगज़ीन में इसने अखबार अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दे दिया और इस तरह से दान दे दिया उसे। तो ये एक बैकडोर एंट्री है उसको आर्थिक मदद करने की, तो डिसअलाउ होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके द्वारा निकाली गई स्मारिका या मैगजीन यदि उसमें कोई विज्ञापन देता है, तो इसका मतलब वो विज्ञापन देने के माध्यम से उसको आर्थिक मदद कर रहा है, इसलिए डिसअलाउड होगा। क्योंकि आर्थिक मदद करना व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता, व्यापारिक खर्चा नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट, उसके बाद तो 14,000 डिसअलाउ होगा, ध्यान रहे। विविध व्ययों में कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट कोष, कल्याण ट्रस्ट की स्थापना है तो कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना करेंगे, ये व्यापारिक खर्चा नहीं है, डिसअलाउ होगा। ट्रस्ट को अंशदान दिया 13,000 रुपये, ये डिसअलाउ होगा। तो 24 और 13 दोनों अमाउंट जो हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे। आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से हमारा ये होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हम नेट प्रॉफिट को अपना बेस बना करके शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन को टेकअप करते हैं और लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 31,05,000 रुपये। NP एज पर P&L अकाउंट इट इज 31,05,000। एड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये डिसअलाउड। आइए इंटरेस्ट, इसने दे रखा 30,000 रुपये, परंतु आगे ब्याज के लिए उसने कहीं कहा था 8th पॉइंट, इसमें मकान पर किराए पर उठाए गए को बनवाने के लिए ऋण पर दिए ब्याज 2,000 रुपये डिसअलाउ हैं। ये मकान संपत्ति से संबंधित ब्याज है, तो ये 30,000 में से लेस, तीस हज़ार रुपये से पर इंटरेस्ट सीधा इस लिखें ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, सीधा दिस 2,000 रुपये ही डिसअलाउ करें, बाकी डेबिट है ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना है। और ब्याज का तो और कोई आइटम है नहीं आगे। सैलरीज, और सैलरीज में उसने कहीं कहा था 2nd पॉइंट, सैलरीज में पेड आउट ऑफ इंडिया वो थी 35,000, पेड टू NRI विदाउट TDS, TDS नहीं किया इसलिए ये, और ये 20,000 रुपये, तो टोटल 55,000 डिसअलाउ करेंगे हम इस तरह से।
लिखिएगा। 35,000 रुपये भारत के बाहर दिए बिना TDS के, इसलिए डिसअलाउ है। और 20,000 रुपये NRI को दिए जो भारत के बाहर रहता है, तो उसको उस पर टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि विदेशी व्यक्ति है वो, तो इसलिए वो भी बिना TDS के दिया गया, तो इसलिए 20,000 रुपये वो भी डिसअलाउ है। टोटल 55,000 डिसअलाउड किए हैं हमने। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज में और तो कोई आइटम नहीं, चेक कर लें। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑफ एन एम्प्लॉय इट इज़ अलाउड, कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी डेबिट है। डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में लिखें, पहले 4,10,000 रुपये और बाद में देखिएगा, चेक कीजिएगा। सिक्स पॉइंट, अलाउड 3,70,000 है, लेस अलाउड। ₹40,000 नोट अलाउड हो गए, ये जोड़ दें इस तरह से। एडवर्टीजमेंट में देखिएगा क्या क्या डिसअलाउ किया था उसने, विज्ञापन व्यय के बारे में नाइन्थ पॉइंट दे रहा है। भारत के बाहर विज्ञापन ₹80,000 अलाउड है, कुछ नहीं करना है। फिर 2,20,000 रुपये भारत में विज्ञापन पे ऑलरेडी डेबिट है, कुछ नहीं करना है। परंतु कर्मचारियों के वेतन के 60,000 रुपये अलाउड है, कुछ नहीं करना है। परंतु लोक दल को जो आपने दिया है चंदा, विज्ञापन 14,000 रुपये, वो उसकी स्मारिका छपवाई उसने उसमें दिया है, तो ये एक प्रकार से उसको इनडायरेक्ट आर्थिक मदद दी जा रही है, ये डिस अलाउ होगा। लिखेगा एडवर्टीजमेंट, ₹3,00,000 की राशि है, लेस एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल मैगजीन, और वो राशि है ₹14,000 डिसअलाउ कर दें। और बाकी का 3,00,000 में 14,000 घटाने के बाद जोड़ दें, सॉरी 3,00,000 है, 14,000 को डिसअलाउ करें, केवल 14,000 रुपये डिसअलाउड, केवल 14,000। फाइनल कॉल इस कॉलम में 14,000 जोड़ें, ये डिसअलाउड है, 3,00,000 का में से घटाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी घटे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, पूरा का पूरा अलाउड होगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउ है, कुछ नहीं करना है आपको। जी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रह गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में उसने कहा है पॉइंट नंबर 3, भारत के बाहर यात्रा अलाउ होगी, 40,000 रुपये स्वीकार किए गए तो भी वो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑलरेडी अलाउड है और डेबिट है, हमें कुछ नहीं करना है। एंटरटेनमेंट का हो गया क्या? एंटरटेनमेंट के बारे में कहीं कुछ कह रहा है क्या? नहीं है शायद कहीं कुछ, नो नथिंग इज मेंशन। तो अलाउड एक्सपेंडिचर है, कुछ नहीं करना आपको। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये नया आइटम है, देखिएगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड है, इसलिए कुछ नहीं करना है। रूरल डेवलपमेंट, ₹3,00,000 ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है इनकम टैक्स का? यदि ग्रामीण विकास के लिए किसी अनुमोदित कार्यक्रम पर व्यापार में खर्च किया जाता है तो वो अलाउड होगा। तो दो बातें हैं, एक तो ग्रामीण विकास का कार्यक्रम होना चाहिए, दूसरा वो सरकार के द्वारा इनकम टैक्स के द्वारा अनुमोदित हो, वो तो ही अलाउ होगा। परंतु यदि ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है परंतु सरकार के द्वारा अनुमोदित नहीं है तो उसको अलाउ नहीं कर सकते।
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा अनुमोदित है इसलिए हमें इसे डिसअलाउ करना होगा। ब्रैकेट में लिख लें नोट अप्रूव्ड, इसलिए हम डिसअलाउ कर रहे हैं, मान्यता प्राप्त कार्यक्रम पर नहीं है इसलिए डिसअलाउ 3 लाख रुपए। अब बाकी मैं इस तरफ ले रहा हूँ, आप नीचे कंटिन्यू कीजिए उसी में। नेक्स्ट पॉइंट, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड है। मिसलेनियस विविध एक्सपेंसेस में देखिएगा पॉइंट नंबर 10, कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना 22,000 रुपये डिसअलाउड होगा, ट्रस्ट को अंशदान ये डिसअलाउड होगा। लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रस्ट फॉर वर्कर्स वेलफेयर, कर्मचारी कल्याण के लिए ट्रस्ट को दिया 22,000, ये डिसअलाउ है। फिर कंट्रीब्यूशन अंशदान, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को हमने अंशदान दिया, पैसा दिया। हाँ सॉरी सॉरी, इनर कॉलम में, राइट, अभी इनर कॉलम चल रहा है, राइट यू आर। 22,000 रुपये ये है और इसके हैं 13,000 रुपये, ये भी डिसअलाउ। अब ये गया इसमें डेबिट आइटम, विविध व्यय में और कोई रह गया क्या? नहीं। अब ये प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट में चलिए, ये वर्किंग नोट ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक व्यय का तात्पर्य है व्यापार प्रारंभ करते समय खर्च, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट बात इसकी सुन लीजिएगा कि कंपनी जब स्थापित होती है तो कंपनी की स्थापना से लेकर के कंपनी को जब तक व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको कहा जाता है, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में ये बात है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसकी डेट से पहले तक का जो खर्च होता है वह प्रारंभिक व्यय कहलाता है। नंबर वन। अब कम टू दी इनकम टैक्स, प्रारंभिक व्यय में क्या है? नियम ये है कि फर्स्ट कितना खर्चा अलाउ करेंगे उसकी बात हो रही, नियम क्या है उसका? स्थायी संपत्तियों पर जो राशि खर्च की गई है उसका 5% 5% ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फिक्स्ड असेट्स, और ये राशि दे रहा है 57 लाख 57 लाख। इंटू 5% बोलो 2,85,000 अथवा 1,85,000 वास्तव में जो प्रारंभिक व्यय खर्च किए हैं और वो राशि दे रहा है, जरा चेक कीजिएगा फिफ्थ पॉइंट पर, चौथा और पांचवें पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा,
1 लाख रुपए। ठीक है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो, तो कम राशि है ये 1 लाख। बस समझ में आ गई, पहले इनकी मैक्सिमम लिमिट तय की जाए, उसमें इन दोनों में से जो कम हो उसको लिया जाए और उसका 1/5 प्रतिवर्ष डेबिट करें, एंड 1/5 ऑफ दिस अमाउंट इज अलाउड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों तक 1/5 हर वर्ष डेबिट करते जाएं, तो 1 लाख का 1/5 बराबर 20,000 अलाउड हुआ, ये खर्चा ला हुआ है। बस समझ में आ गई, आई रिपीट अगेन, पहले ये लिख लें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसने दिया है, चेक करें, 1 लाख रुपए, इनर कॉलम में लिखे पहले, लेस अलाउड, इसमें से अलाउड को घटा दें 20,000 रुपये, अब बाकी का डिसअलाउड हो गया 80,000 रुपये, ये इस तरह से लिखा जाएगा। P&L में डेबिट किया उसने 1 लाख रुपए, हम डेबिट नहीं कर सकते हैं 1 लाख रुपए, हम डेबिट कर सकते हैं केवल इन शर्तों के अनुसार, 20,000 रुपये की राशि है जो उसको, वो अलाउ हो गई, बाकी का डिसअलाउड होगा, तो ये डिसअलाउड हो गया। क्लियर हो गया, फिर देख लीजिएगा कैसे करते हैं, इसके नियम ये है, प्रारंभिक व्यय की पहले लिमिट तय करें, लिमिट दो होंगी, एक तो ये लिमिट होगी जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 5% लिया जाए, फिक्स्ड कॉस्ट है 57 लाख, फिक्स्ड असेट्स की कीमत क्या है वो देखी जाए, उसका 5% लें, फिर असेट्स की कीमत 57 लाख दे रखी है, उसका 5% लिया 2,85,000, अथवा एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना हुआ है वो लिया जाए, वो है 1 लाख रुपए, इन दोनों में से जो कम हो उसको बेस बनाया जाए, इन दोनों में से कम है 1 लाख रुपए, इस राशि का 1/5 अलाउ करेंगे, तो 1 लाख का 1/5 20,000 रुपये बनता है, 20,000 रुपये हमने अलाउ कर दिए, बाकी का डिसअलाउड हो। कभी ये हो सकता है कि वो ये फिक्स असेट्स की वो राशि नहीं दे, तो हमें फिर यही दे रखा होगा तो इसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक व्यय में आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए सचेत रहें। ओके, कम ऑन, अब और क्या रह गया जरा चेक कर लें, कारखाना पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा पॉइंट हो गया है, तीसरा पॉइंट यात्रा व्यय का हो गया है, चौथा और पांचवा प्रारंभिक व्यय से संबंधित दोनों हो गए हैं, स्वीकार्य ह्रास छठा पॉइंट हो गया है, सातवां वैज्ञानिक शोध का ये हम जो अलाउ करेंगे वो 40 वैज्ञानिक शोध के डेबिट कर रखे हैं क्या, पहले देखें, नहीं डेबिट क्या कर रखा है इसने ये देखना ना, देखें इसको क्या कहता है, पढ़िएगा पहले, वित्तीय वर्ष 18-19 में वैज्ञानिक शोध पर 2 लाख रुपए का व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है, तो 2 लाख में से 40,000 रुपये मशीन के व्यय अलाउ होंगे, 60,000 रुपये अलाउ होंगे और 30,000 रुपये अलाउ होंगे, और डिसअलाउड होगा वो होगा केवल 70,000 रुपये, और वो यहाँ पर दे नहीं रखा, देखिएगा P&L में कहीं डेबिट नहीं है, इंटरेस्ट सैलरीज डेप्रिसिएशन प्रिलिमिनरी एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग एंटरटेनमेंट कहीं डेबिट नहीं है, तो हमें जो अलाउ है
उसको अलाउ करना है तो उसको लेस करना है, तो हम लेस करेंगे केवल 40,000 रुपये, 60,000 रुपये, 30,000 रुपये, ये लेस आइटम आएगा तब लिखा जाएगा, अभी छोड़िएगा। ब्याज को हम ले चुके हैं, विज्ञापन व्यय को हम 70,000 रुपये डिसअलाउड है ना सर? डिसअलाउड है तो तब होता कि वो ऑलरेडी डेबिट होता P&L में, P&L में डेबिट कहाँ है? इसलिए हाँ ये आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात होती, यदि ये साइंटिफिक रिसर्च के नाम से P&L में डेबिट किया गया होता तो डिसअलाउ कर देते, उसको जोड़ देते, पर जब P&L में ये खर्चा डेबिट है ही नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं उसको डिसअलाउ, तो जो अलाउ है उस आइटम को लेस करेंगे। अब आइएगा इसका टोटल कर लें यहाँ तक का और सेकेंड कॉलम में लिखें, बोलिएगा टोटल 2,000, 55,000, 40,000, 14,000, 3,00,000, 22,000, 13,000 और 80,000। फाइव लेख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड 31,05,000 जोड़ें जोड़ना सर। अच्छा, ये तो पहले ये टोटल होगा, इसमें जोड़ेगा ना, एडी लिखा हुआ ना भाई, छत्तीस लाख इकतीस हजार 36,31,000। ओके, अब वे आइटम हटाएं जो कि P&L में क्रेडिट कर रखे हैं और वो हम क्रेडिट नहीं कर सकते, डिसअलाउड हैं उन्हें लेस। क्रेडिटेड इन P&L बट नॉट अलाउड, P&L में क्रेडिट है परंतु हम अलाउ नहीं कर सकते उनको, वो आइटम ले रहे हैं। और देखिएगा सबसे पहला रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज 20,000 डिसअलाउड इनकम आइटम है, लेस होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स, व्यापार का है अलाउ है। फिर है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ये व्यापारिक इनकम नहीं है, सरकार से सहायता मिली है 50,000 रुपये। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन, ये तो व्यापार का है वो शामिल है, ऑलरेडी क्रेडिट है, कुछ नहीं करना है। अब वो कौन सा आइटम था जो लेस करना था? साइंटिफिक रिसर्च पर लेस, अलाउड एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, जो डेबिट नहीं किए गए हैं उसमें है पहले साइंटिफिक रिसर्च, मशीन, इनर कॉलम में जोड़ लें पहले 40,000 एक साथ, फिर सैलरी 60,000, फिर मटेरियल 30,000, टोटल 1,30,000 को इस लेस आइटम में लिख दें नीचे इस तरह से। अब हो गया 1,30,000, 3,25,000, 3,85,000, 2,00,000 रुपये लेस करें। दो लाख पंचायत 1,30,000 बोले, 36 में से 2 घटाए 34,31,000। एक मिनट, आपने क्या करा वहाँ पे? इन तीनों आइटमों को ऐड कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे।
हाँ पहले तो इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा। तो फिर से 70,000 कहाँ जाएगा? 70,000 के नीचे तो लिखा है भाई। सर 70,000 इसमें एक और एक्सपेंस दे रहा, प्रयोगशाला का 70,000 पे व्यय, वो अलाउड नहीं है ना, डिसअलाउड है वो। डिसअलाउड है हाँ, उसको नहीं ले। कहाँ अलाउड है? 70,000 को ऊपर भी नहीं जोड़े थे अपन ने, वो इसलिए नहीं जोड़े थे कि पीडीएल में डेबिट कहाँ है। वो डेबिट होता तो डिसअलाउड को जोड़ेंगे। हाँ हाँ नहीं होगा वो। अभी आप बेसिक क्लियर नहीं हुए आपके भाई हेमलता, बेसिक क्लियर नहीं हो रहा आपके। अब जैसे इंटरेस्ट का 2,000 रुपये क्यों लिया? क्योंकि उसमें शामिल है पीएनडीएल में। ये पीएनडीएल में शामिल कहाँ है? ये वैज्ञानिक अनुसंधान का कोई खर्चा पीएनडीएल के में देखो डेबिट नहीं है। कितना आ रहा? 2,00,000। घटाओ 36 लाख में से। थर्टी फोर लैख। हाँ 34,31,000। 4,000 का अंतर कौन सा रह गया? चेक करो 4,000 का फिगर। पेमेंट टू टैक्स, हाँ ये रह गया, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय, ये लिखा है एड पेमेंट ऑफ टैक्स। ₹4,000 ये वापस जोड़ दें इसमें, ये 34,35,000 रुपये। ये है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्यापार की आय है ये, ठीक है। पर उसने कहा कि टोटल टैक्सेबल इनकम बताओ, तो हाउस प्रॉपर्टी को लो। अब मैं इस तरफ ले रहा हूँ वर्किंग नोट की जगह, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेडिंग, अब देखो रेंट कितना प्राप्त हो रहा है, इसने कहीं लिखा था, देखिएगा रेंट प्राप्त हुआ है पी एंड एल में क्रेडिट में सेकंड आइटम रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड। कुछ भी नहीं दे रखा है, ना स्टैंडर्ड रेंट है ना फेयर रेंट है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी और वो है 20,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। देखिएगा पीएनडीएल में कहीं कोई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा डेबिट में, और अतिरिक्त सूचनाओं में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो नील। तो यही हो जाएगी NAV नेट एनुअल वैल्यू 20,000 लेस, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इंटू NAV, तो 20,000 का 30% 6,000 रुपये ये घटा दें, 14,000 रुपये। और देखिएगा उसने लिखा था मकान संपत्ति पर ब्याज फर्स्ट आइटम में दे रखा, देखिएगा पीएनडीएल में डेबिट पहला आइटम है, और ब्याज के बारे में उसने कहा था कि ये कौन सा पॉइंट है, देखो ब्याज के बारे में 8th पॉइंट 2,000 रुपये लोन लिया उसका ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ जी 2,000 रुपये ये घटाएं, 8,000 घटा दें 20,000 में से, तो 12,000 रुपये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लिखें टोटल इनकम।
फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी 12,000, सेकंड बिजनेस की 34,35,000, अभी टोटल हो गए 5,000, 34,47,000 रुपये ये टोटल हो गए। किंग अब जी, क्वेश्चन नंबर 12th, विच इज़ अगेन ए वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने की ज़रूरत है उसको, और उसके जो वेराइटी वो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज, अलग तरह से उसने उस प्रश्न को रखा है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट टाइप से उसको प्रेजेंट किया है। एंड दिस हैज़ अपीयर्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन इन 2007 एंड 2017 इन MDS यूनिवर्सिटी, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन के लेवल का पता लगता है कि कितना क्वेश्चन का कठिन हो सकता है आपके। देखिएगा क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। श्री मेहता एक दवाई उद्योग चलाते हैं, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ हानि खाते में 14,50,000 रुपये का लाभ प्रकट किया। निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी व्यवसाय की आय की गणना कीजिए। लाभान्य खाते के नाम पक्ष में निम्न को सम्मिलित किया गया है, इट मीन्स दीज आइटम्स आर डेबिटेड ऑलरेडी इन P&L अकाउंट, ये शामिल हैं ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, गत वर्ष के दौरान उसने 5 वर्ष के लिए दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 60,000 रुपये चुकाए, तो 60,000 का 5 वर्षों के लिए उपयोग हुआ है, तो 5 का भाग दे करके 12,000 रुपये हम अलाउ करेंगे, बाकी का डिसअलाउ हो जाएगा, इस तरह से। सेकंड पॉइंट, कर्मचारियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपये, फैमिली प्लानिंग वेलफेयर के लिए कोई एक्सपेंसेस किया जाता, डिसअलाउ होगा, ये नहीं अलाउ कर सकते हम इसमें। 3,000 रुपये का पूंजीगत व्यय भी इसी में शामिल है, तो पूरे 14,000 रुपये डिसअलाउ होंगे, सॉरी 10,000 रुपये, 3,000 रुपये ऑलरेडी इसमें शामिल है, उसका कुछ नहीं करना। उसने राजस्थान विश्वविद्यालय को 40,000 रुपये का दान दिया, विश्वविद्यालय द्वारा इस राशि का प्रयोग अनुमोदित, देखिएगा, अनुमोदित वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम के संचालन के लिए करना है। कार्यक्रम अनुमोदित है तो जितना खर्च किया गया उसका 150% अलाउ करेंगे, यदि अनुमोदित नहीं होता तो 100% अलाउ करते, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 रुपये तो ऑलरेडी डेबिट हैं, 40,000 का 50% करें, 20,000 रुपये हमें और डेबिट करने अर्थात लेस करने हैं, ये लेस आइटम होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, उसे विक्रय कर विभाग से 12,000 रुपये का कर का भुगतान मांग पत्र प्राप्त हुआ, उसने नक्शा भरने की निर्धारित तिथि तक इसका भुगतान नहीं किया, परंतु लाभान्य खाते में संपूर्ण राशि का प्रावधान कर दिया गया, उसने P&L में डेबिट कर दिया जबकि पेमेंट नहीं किया, तो हम डिसअलाउ कर देंगे वापस 12,000 रुपये को। फिर कहता है 31 मार्च 2020 को दलालों के कमीशन वर्ष 8,000 रुपये में अदत थे, वैसे इसका भुगतान मई में किया गया, वैसे अदत खर्चों को हम डिसअलाउ करते हैं, परंतु दलालों को जो देई कमीशन है वो अदत होने पर भी अलाउ होगा, ध्यान रखें इसे अलाउ करना है, तो इसका ऑलरेडी डेबिट है तो हमें कोई काम नहीं करना है। इस अवधि एक अवधि में ऋण पर अनुसूचित बैंक को दे 25,000 रुपये की ब्याज की राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया, P&L में डेबिट कर दे 25,000 रुपये परंतु ब्याज का अभी तक पेमेंट नहीं किया, डिसअलाउ कर देंगे वापस। फिर कहता कर्मचारी को प्रमाणित भविष्य निधि में उसका अंशदान 40,000 रुपये का था, इसमें से 12,000 रुपये की राशि का भुगतान देय तिथि के बाद किया गया। प्रमाणित भविष्य निधि में यदि कर्मचारी को कोई धनराशि जमा कराई जाती है तो अलाउड एक्सपेंडिचर होगा, परंतु यही राशि यदि अप्रमाणित भविष्य निधि में जमा कराई जाती तो डिसअलाउ होगा, एक बात। दूसरी बात,
परंतु उसमें से 12,000 रुपये की राशि ऐसी है जो उसने डेबिट तो कर दी परंतु 31 मार्च तक जमा नहीं कराया। वो मई में जमा करा रहा तो 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं, तो जमा नहीं करा तो डिसअलाउ कर देंगे 12,000 को, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान किसी भी तरह का हो, 1,00,000 रुपये दान कर रहा प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में, परंतु हम अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, अगले टॉपिक आएंगे 80 के डिडक्शंस, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दान का मामला, ध्यान रखना। अभी आया नहीं वो टॉपिक, बाद में लेंगे उसको। फिर कहता है उसके बाद, अंकेक्षकों को उनके पेशे संबंधी शुल्क के लिए 30,000 रुपये भुगतान किया गया, जिसमें से 12,000 रुपये आयकर के सम्मिलित थे। तो ये तो व्यापारिक खर्चा है, अंकेक्षक को हम दे रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का काम करा रहे हैं, कोई को भी काम करा रहे हैं, तो अलाउड होगा। ये ऑलरेडी P&L में डेबिट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है, सेकंड आइटम हेडिंग दे रहा है, और उसमें क्या है देखिएगा, लाभ हानि खाते में जमा निम्न राशियों को सम्मिलित किया गया। ये P&L आइटम के डेबिट आइटम्स थे, अब P&L के क्रेडिट आइटम बता रहा है। ये ऑलरेडी क्रेडिट है, ध्यान रहे, प्रश्न को पूछ अलग तरीके से रहा, इसलिए बार बार सचेत कर रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट इसका, कर्मचारियों को किराए पर दी गई क्वार्टर्स का किराया 1,50,000 रुपये ऑलरेडी क्रेडिट है, हमें कुछ नहीं करना, पर डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन टेकअप करेंगे तब। करदाता के व्यापार के कुशल सुचारू संचालन के लिए इन क्वार्टर्स में कर्मचारियों का निवास लाभप्रद था, तो ये आपके ऑलरेडी क्रेडिट है, आप कुछ नहीं करना है। सेकंड, एक मशीन का विक्रय मूल्य 1,50,000 रुपये, ये जो था वो P&L में क्रेडिट कर दिया है इसने, ठीक है। और ये क्योंकि सेल्स का आइटम है तो इसे लेस कर देंगे वापस। मशीन का अपलिखित मूल्य, ध्यान दीजिए, अब मशीन का अपलिखित मूल्य 80,000 रुपये था, इस समूह में अन्य संपत्तियों का अपलिखित मूल्य 2,00,000 था, तो 80,000 रुपये की ये मशीन और 2,00,000 की अन्य मशीन है, कुल 2,80,000 रुपये हो गया। इन पर निर्धारित दर से ह्रास लाभ हानि खाते में लाभ लिख दिया गया, इस ह्रास की दर 15% थी। इस पर जो डेप्रिसिएशन होता 15% की रेट से, वो हमने लाभ हानि खाते में नाम में लिख दिया गया। अब हमें देखना है कि कितना अलाउ करें कितना अलाउ नहीं करें, चेक करेंगे उस समय कैलकुलेशन के टाइम, याद दिलाइएगा। फिर उसके बाद कहता है, वे निम्न, थर्ड पॉइंट, थर्ड हेडिंग आई मीन, वे निम्न के लिए कटौती की उचित राशि का दावा प्रस्तुत करता है। ये तो P&L का डेबिट और क्रेडिट आइटम बता दिए, अब वो क्लेम कर रहा कि ये मुझे दिया जाए, क्या क्लेम कर रहा। फर्स्ट पॉइंट, 18 जनवरी 2020 को दूरसंचार सेवाओं के लिए 10 वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए 1,00,000 रुपये का भुगतान किया, परंतु इस राशि को लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया गया। लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया गया तो यदि अलग होगा तो अब कर देंगे। नियम क्या है, जितनी अवधि का लाइसेंस मिला जाए उस खर्च को उतनी अवधि में बांट दिया जाए। ये 10 वर्ष के लिए लाइसेंस मिला है तो 1,00,000 खर्च किया है, 1,00,000 में 10 का भाग दिया, 10,000 रुपये प्रति वर्ष 10 साल तक डेबिट करते रहेंगे। तो इस साल हमें 10,000 रुपये अलाउड करने हैं, अर्थात घटाने हैं। देखिए बिल्कुल अलग तरह से क्वेश्चन को ले रहा, बड़ा सोच समझ के लेना इस प्रश्न को, नहीं तो ज़रा से भी आपने चूक की नहीं और सवाल गलत हो जाएगा, ज़रा से असावधानी होती ही। नेक्स्ट पॉइंट, गत वर्ष 17-18 में खर्च किए 30,000 रुपये प्रारंभिक व्यय के संबंध में, उस गत वर्ष में के अंतिम दिन स्थायी संपत्ति का मूल्य 10,00,000 रुपये था, जिसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, उसे जैसे टेकअप करेंगे इसको, उस समय बताएंगे क्या ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इसने क्वेश्चन को लिया है, साधारण कैंडिडेट इसको जल्दी से टेकअप करने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा,
इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। बड़ा सावधानी समझिएगा, इसने पी एंड एल अकाउंट के कुछ आइटम डेबिट किए हैं, कुछ क्रेडिट किए हैं, कुछ को ना डेबिट ना क्रेडिट किया और क्लेम किया है। अब उसको क्लेम को एक्सेप्ट करें नहीं करें, ये अपने प्रोविजंस के अंतर्गत आता है तो यस और नहीं तो नो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आपसे नहीं हो पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12th। जब कोई टिपिकल पेपर होता है, कठिन पेपर होता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है वो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा हेडिंग ऑफ मिस्टर मेहता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। और अब इसको लेते हैं, सावधानी से समझिएगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को, जो नेट प्रॉफिट है 14,50,000, उसको बेस बनाया जाए। नेट प्रॉफिट है इस पर पी एंड एल अकाउंट, इट इज गिवन टू यू 14,50,000, 14,50,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिया हुआ। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, कम ऑन, फर्स्ट आइटम उसने गत वर्ष के दौरान 5 वर्ष के लिए दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त किया, लाइसेंस टेली कम्युनिकेशन दूरसंचार को कहते हैं, लाइसेंस इसका इस प्रकार से लिखिएगा, ये है 60,000 रुपये का ये डेबिट कर रखा है इनटू 1/5 वर्षों के लिए ये लाइसेंस चेक करें, 5 वर्ष के लिए तो 1/5 अलाउ करेंगे, बाकी डिसअलाउ, 1/5 अलाउड, 12,000 रुपये, तो 12,000 अलाउ करें, बाकी क्या डिसअलाउड, ये इस तरह से लिखा जाए। ये 48,000 रुपये, क्यों 48,000 ही आ रहा है, चेक करें, ये डिसअलाउ इस तरह से, क्योंकि 60,000 रुपये डेबिट कर रखे हैं, यदि डेबिट नहीं किए गए होते तो 12,000 रुपये लेस कर देते हम सीधे। ओके, नेक्स्ट आइटम सेकंड, सेकंड आइटम ये कहता है कि कर्मचारियों के परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए, ओके, एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, और वो है 10,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ इसमें ऑलरेडी शामिल है, इसे अलग से नहीं लिखना है, ध्यान रहे। वो आगे कहता है इसमें 3,000 रुपये का पूंजीगत प्रकृति का व्यय है था तो ऑलरेडी शामिल है इसमें, हाँ अलग होते तो 3,000 ये भी डिसअलाउ कर देते, क्लियर हो रही बात, कम ऑन। थर्ड पॉइंट, ₹40,000 का दान राजस्थान विश्वविद्यालय को दिया गया और ये दान जो था अनुमोदित वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम के लिए था, तो हम 150% अलाउ करेंगे, तो ये तो 40,000 रुपये हैं डेबिट कर रखे हैं, हम डेबिट करेंगे 40,000 × 150%, 60,000 रुपये अलाउ करेंगे, तो 40 तो ऑलरेडी डेबिट है, 20,000 रुपये डेबिट और करेंगे अर्थात घटाएंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, घटेगा या तब यूँ लिख रही हैं, हमें 150% डेबिट करना है, इसने 100% डेबिट किया 40,000 रुपये,
और हमें डेबिट करना 150%, तो 40,000 150% 60,000 होता, चेक कर लो बोले। तो 40,000 डेबिट है, 20,000 रुपये डेबिट और करने हैं, अर्थात घटाने हैं, बाद में टेकअप करेंगे, घटाते समय इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसे विक्रय कर विभाग से 15,000 रुपये करके भुगतान मांग पत्र प्राप्त हुआ, उसे नक्शा भरने के निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया, परंतु लाभान्य खाते में संपूर्ण राशि का प्रावधान कर दिया गया, डिसअलाउड, मतलब लिख दिए पर पेमेंट नहीं किया, सेल्स टैक्स नॉट पेड, द अमाउंट इज ₹12,000। नेक्स्ट फोर्थ आइटम, 31 मार्च को दलालों को कमीशन अदत था, वैसे सामान्यतः अदत खर्चे हम अलाउ नहीं करते, परंतु यदि कमीशन दलालों को ब्रोकरेज कमीशन है तो वो अलाउ किया जाता है। अलाउ करने का मतलब पीएनएल में डेबिट करना चाहिए, ये आइटम ऑलरेडी डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहता है कर्मचारियों को प्रमाणित भविष्य निधि में उनका अंशदान 40,000 रुपये का था, इसमें से 12,000 रुपये की राशि का भुगतान देय तिथि के बाद किया गया। सॉरी, ये रह गया फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट रह गया, एक अवधि ऋण पर अनुसूचित बैंक। ओके ओके, चलिए, एक अवधि ऋण पर अनुसूचित बैंक को देय 25,000 रुपये की ब्याज की राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया, ब्याज के 25,000 रुपये डेबिट कर दिए पी एंड एल में, परंतु अभी तक आपने उसे पेमेंट नहीं किया, नहीं किया तो डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट नॉट पेड, ये भी नहीं दिया और ये राशि है 25,000 रुपये। फिर भविष्य निधि में प्रमाणित भविष्य निधि में 40,000 रुपये का था, इसमें से 12,000 रुपये का भुगतान देय तिथि के बाद किया गया। प्रमाणित भविष्य निधि में इसने 40,000 रुपये जमा कराने थे, उसमें से कब तक जमा कराने थे, अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि होती 31 मार्च, वो जमा कराने थे, परंतु इसने 40,000 में से 12,000 रुपये मई में जमा कराए, 31 मार्च के बाद, इसलिए 12,000 रुपये डिसअलाउ करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF नॉट पेड, 12,000 रुपये का ये पेमेंट नहीं किया और डेबिट कर दिया पीएनएल में। नेक्स्ट पॉइंट, दान दे रहा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत सहायता कोष में 1,00,000 रुपये, किसी भी प्रकार का दान डिसअलाउड है। सिक्स्थ, डोनेशन टू PM रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा रहा 1,00,000 रुपये पीएनएल में डेबिट कर दिया, डिसअलाउ होगा। अंकेक्षकों की फीस के संबंध में 30,000 रुपये अलाउड है और 12,000 रुपये आयकर के संबंध में उसने ऑडिटर को दिए थे आयकर का काम करने के लिए, तो 30,000 12,000 रुपये दोनों अलाउड है और ऑलरेडी ये पी एंड एल में डेबिट है, हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, अतिथि गृह पर 10,000 रुपये का व्यय किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बड़ी जगह पर जहाँ कर्मचारी आते जाते हैं वहाँ पर ठहरने के लिए रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस बनाते हैं, तो उस पर खर्च कर रहा है, तो ये व्यापारी खर्च है, अलाउड होता है, और ये क्योंकि ऑलरेडी डेबिट है पी एंड एल में, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, लाभ हानि खाते के जमा में निम्न राशियों को सम्मिलित किया गया है। अब पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में
निम्न राशियों को शामिल किया। कौन कौन सी? फर्स्ट पॉइंट कर्म जो है, ये सब लेस आइटम्स है, करीब होगा तो इक्का दुक्का होगा तो उसको जोड़ देंगे बाद में, यहाँ तक टोटल कर लीजिएगा। दो लाख 7,000 आराम मेरे टोटल चेक करो। यस सर। फाइनल कॉलम का टोटल 14,57,000 चेक कर लो। ओके चले आगे। कम ऑन, मैं इधर ले रहा हूँ लेस आइटम्स को, और कोई एड आइटम आएगा तो बाद में और जोड़ देंगे फिर। अब मेन तो लेस आइटम्स ही आ रहे हैं। अब सावधानी से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, कर्मचारियों को किराए पर दिए गए क्वार्टर्स का किराया प्राप्त हुआ 1,50,000 रुपये। करदाता के व्यापार के कुशल एवं सुचारू संचालन के लिए इन क्वार्टर्स के में कर्मचारियों के निवास लाभप्रद था। क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं अपने स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारियों के रहने के लिए मकान वगैरह बना के, जैसे अजमेर रेलवे का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट तो रेलवे के क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट के एक क्वार्टर्स हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जगह जगह बनाते हैं। ओके, तो कई जगह तो उनको रेंट फ्री दे दिया जाता है और कई जगह उनसे कुछ किराया वसूल किया जाता है। ठीक है, तो किराया वसूल हुआ जिन कर्मचारियों को सरकारी मकान बना करके किराए पर दिए थे, उनसे किराया वसूल हुआ। तो जब किराया पर देता है खर्चा होता तो वो डेबिट करता है, तो वसूली होगी तो वो क्रेडिट होगी ही होगी, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं। इसलिए ये अलाउड इनकम है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी क्रेडिट है। हाँ, क्रेडिट नहीं होती तो आपको उसको क्रेडिट करना होता, जोड़ देना पड़ता है। ये अलाउड इनकम है, इसमें आपको किसी तरह का कोई काम नहीं करना है। ओके, एक मशीन का विक्रय मूल्य 1,50,000 रुपये। अब ये क्या किया, एक मशीन को बेची कितने में, 1,50,000 में, और वो मशीन को उसने P&L में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ऊपर लिख दिया कि नीचे एक आइटम P&L में क्रेडिट है, P&L में क्रेडिट कर दिया उसने। और ये तो पूंजीगत इनकम हुई, क्रेडिट नहीं कर सकता। तो लेस सेल ऑफ मशीन, फर्स्ट आइटम, ये अमाउंट है कितने का सेल किया, 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, इस समूह में अन्य संपत्ति, हाँ, मशीन का अपलिखित मूल्य वर्किंग नोट में ले, इस मशीन का अपलिखित मूल्य 80,000 रुपये, ये जो मशीन बेची इसका अपलिखित मूल्य, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन 80,000 रुपये। फिर कहता है उसके बाद, इस समूह में अदर मशीन्स इसी ब्लॉक की हैं, वो है उनका अपलिखित मूल्य 2,00,000 रुपये। ओके, अन्य मशीनों का अपलिखित मूल्य 2,00,000 रुपये, टोटल करो 2,80,000 लेस सेल ऑफ मशीन। यदि कोई परचेज होता तो परचेज भी जोड़ देते, पर परचेज इसने दे नहीं रहा है। सेल ऑफ मशीन माइनस 1,50,000 में बेच दी उस मशीन को, एक लाख 30,000 चेक करो। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन
एट द रेट ऑफ 15% बोल रहा है तो 1,30,000 का 15%। 19,500 कितना? 19,500। ओके, ठीक है। yes, अब सावधानी से देखना। ओके, इन पर किन पर? ये 2,80,000 की मशीन इसकी बात कर रहा। इन पर ध्यान दीजिएगा, इन पर कह गए हो, इन पर निर्धारित दर से लाभ हानि खाते में ह्रास नाम लिख दिया गया और इन पर उसने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दिया, P&L में डेबिट कर दिया। लिखिएगा डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन P&L कितना हुआ? 2,80,000 इंटू 15%, बोलो। सॉरी, 2,00,000 की मशीन है, 2,00,000 पर, 2,00,000 नहीं, 2,00,000 ये तो बेच दी, ये वाली तो बेच दी, इस पर 2,00,000 पर 15%, 30,000। ठीक है, ये डेबिट किया गया, लेस अलाउड माइनस 19,500। दस हजार पाँच सौ ये डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करेंगे। ये देखिए किस तरह से पूछा इस बात को, है कहाँ का जोड़ा, कहाँ का घटाया, क्या क्या। हाँ, अब समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये देखिए, ये हमारा डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करेंगे तो ये एड आइटम में भी लेस चल रहे हैं, याद दिलाइए इसको, उस समय टेकअप करेंगे, जोड़ना है इसको। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट मशीन का हो गया। वे निम्नलिखित, थर्ड हेडिंग, वे निम्नलिखित के लिए कटौती की उचित राशि का दावा प्रस्तुत कर रहा, ना तो डेबिट है ये आइटम ना क्रेडिट है, उसने लिख कर के दिया ये मुझे मिलना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है वो। अब हम माने नियम के अनुसार हो तो, और नियम के अनुसार नहीं है तो नहीं माने। ओके, कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट, इसमें उसने 18 जनवरी 2020 को दूरसंचार सेवाओं के लिए 10 वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए 1,00,000 रुपये का भुगतान किया, परंतु इस राशि को लाभानी खाते में नहीं दिखाया। तो नहीं दिखाया तो अब दिखा देंगे, लेस। ये क्या है? स्पेक्ट्रम अलग से लिखना है, 1,00,000 रुपये और ये 10 वर्षों के लिए है, इंटू 1/10 बराबर 10,000। 1,00,000 कैसे होगा भाई, 10,000 अलाउड, यहाँ 10,000, 1,50,000 के नीचे अब लिखें 10,000 घटाने हैं। जैसे लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्राप्त हुआ, जितनी अवधि के लिए प्राप्त होता उस राशि में उतने का भाग दे दो। यहाँ पर स्पेक्ट्रम के लिए इसने अप्लाई किया और 10 साल के लिए स्पेक्ट्रम उसको दे दिया गया और उस पर उसने 1,00,000 रुपये खर्च किया, इस 1,00,000 का उपयोग 10 सालों तक का होगा, इसलिए 1,00,000 रुपये डेबिट नहीं कर सकता, 1,00,000 का 1/10 हर साल 10 सालों तक डेबिट करता रहेगा, 10,000 रुपये हम लेस करेंगे। नेक्स्ट, गत वर्ष 17-18 में खर्च किए गए 30,000 रुपये के प्रारंभिक व्यय, फिर बात आ रही है वर्किंग नोट, प्रारंभिक व्यय का पहले भी हम टेकअप कर चुके हैं, ये एक बार और समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम्म,
गत तीसरा प्रारंभिक व्यय उस गत वर्ष में स्थायी संपत्ति ओके वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और वो है 10,00,000 रुपए। फर्स्ट पॉइंट 5% इंटू 10,00,000 बोलिए 10,00,000 का 5% 50,000 रुपये अथवा सेकंड पॉइंट एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअल खर्चा कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस चेक करो 30,000 रुपये गत वर्ष के खर्च के 30,000 रुपये 1/5 ऑफ दी पहले तो लिखे विच एवर इज लेस विच एवर इज लेस दोनों में से जो सबसे कम हो वो तो 30,000 रुपये ये कम है इसको लेंगे इसको नहीं ले सकते और इसका 1/5 अलाउ करेंगे अलाउड 1/5 ऑफ 30,000 6,000 रुपये ये अलाउ करेंगे अर्थात घटाएंगे ठीक है। अभी लेस आइटम्स चल रहे हैं फिर यहाँ पे थर्ड लिखिएगा एक्सपेंसेस ऑन स्पेक्ट्रम ₹6,000 ये लीजिए टोटल कीजिएगा यहाँ तक का लेस आइटम्स का 1,66,000 ये लेस करें टोटल 16,57,000 में से हाँ जी 14,91,000 और एक आइटम को छूट गया था कौन सा था वो ऐड करना है अपना ये डेप्रिसिएशन 10,500 कितना 10,500 डेप्रिसिएशन 10,500 ऐड डिसअलाउड डेप्रिसिएशन ₹15,01,500 अब देखिएगा इसमें एक आइटम और रह गया है वैज्ञानिक अनुसंधान पर देखिएगा थर्ड पॉइंट राजस्थान विश्वविद्यालय को दिया है और 40,000 रुपये तो ऑलरेडी डेबिट है हमें करना है 150% 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और लेस एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और ये था अमाउंट 40,000 का 20 150% 40,000 इंटू 150% बराबर 60,000 लेस
ऑलरेडी डेबिटेड 40,000 रुपये डेबिट कर दिए हैं हमने, अब हमें डेबिट कर रहे हैं 20,000 रुपये, ये लेस करें 15,01,500 में से लेस करें तो 14,81,500, दिस इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। Now with this the question is completed in all respect. Just see किस तरह से ट्विस्ट करके प्रश्न को पूछा जा सकता है इनकम टैक्स से, तो ये उसका एक नमूना आपके सामने है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।